हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इजी पाइनएप्पल केक बनाएंगे और उसके साथ ही अपने डेकोरेट केक को कैसे आसान तरीके से स्टोर करें, उसमें क्रैक्स ना आए और कैसे लंबे समय के लिए केक और पेस्ट्रीज को अच्छे से स्टोर करके जो चलाएंगे लंबे समय तक, इसके बारे में बताऊंगी। तो आइए आसान तरीके से बनाते हैं हमारे ब्यूटीफुल टेस्टी पाइनएप्पल केक। ये 1 किलो पाइनएप्पल केक का ऑर्डर है। ये स्पंज मैंने बनाया है मेरी खुद की होममेड प्रीमिक्स में से, 400 ग्राम प्रीमिक्स लेके, पाइनएप्पल एसेंस 2 ड्रॉप, येलो फूड कलर 2 ड्रॉप, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके पानी से बैटर बना के 8 इंच टिन में 30 मिनट्स तक बेक किया था। इसको 3 लेयर में कट किया। ये 10 इंच का केक बोर्ड लेके उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा के केक का मिडिल लेयर बेस में देके चीनी पानी से पाइनएप्पल क्रस थोड़ा सा मिला के उसी पानी से केक को सोक की। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टिप्स है बिगनर्स के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। केक स्पंज को जो 3 लेयर है केक स्पंज को आप काटते हैं, उसका जो मिडली लेयर है उसको सबसे नीचे यानी कि बेस के ऊपर दीजिए, और केक स्पंज का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो थोड़ा सा किसी किसी का जो डोम शेप हो जाता है उसी को आप मिडिल में, और स्पंज का जो नीचे वाला लेयर है जो बेस में जो केक टिन में केक टिन का जो नीचे वाला पार्ट वो ऊपर देकर केक का क्रम कोट कीजिए। वीडियो में मैं जैसे दिखाई हूँ वैसे ही आप कीजिए। ऐसे करने से आपका जो केक का फिनिशिंग अच्छा होगा और डेकोरेशन करने के टाइम आपको मुश्किल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, केक स्पंज को सोक करने के बाद उसके ऊपर जो क्रीम अप्लाई की, क्रीम को अच्छे से स्प्रेड किया, फिर जो पाइनएप्पल क्रस को देकर पाइनएप्पल क्रस को अच्छे से स्प्रेड की उसके ऊपर सेकेंड लेयर, और सेम इसी प्रोसेस से मैं केक की तीनों लेयर को देके क्रम कोट की हूँ। फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके इसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। तो अभी हम डेकोरेटेड केक को कैसे स्टोर करेंगे डिस्कस करेंगे। जो भी आपका डेकोरेटेड केक है उसे अगर आपको फ्रिज में रखना है तो हमेशा उसे उसकी बॉक्स में ही रख दे। ध्यान रखिए व्हिप्ड क्रीम की केक कभी भी खुला ना छोड़े, उसके वजह से क्रैक आना चालू हो जाता है। अगर आपके पास केक के पीसेस बच जाते हैं जैसे कि पेस्ट्रीज है तो आप उन्हें एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रख दें। अगर आप उन्हें खुला छोड़ेंगे तो केक क्रैक्स होने की संभावना है। इसके अलावा फ्रिज में काफ़ी सारे दूसरे चीज़ें होती है जैसे कि अनियन, अनियन की सब्जी या फिर बची हुई सब्जी या कुछ फ्रूट्स। हमारा केक ये सारी चीज़ों का स्मेल सोक कर लेता है। तो अगर आपको केक लंबे समय तक चलाना है तो केक को अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, केक को क्रम कोट करके मैं जो फ्रिज में स्टोर किया था आधे घंटे के लिए, फिर उसको निकाल कर मैं ये केक की फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। ये जो फाइनलाइजिंग करने के लिए आप हमेशा जो आप अगर बिगनर्स है तो पाइपिंग बैग का यूज कीजिए, अच्छे से केक फिनिशिंग देती है पाइपिंग बैग यूज करने से। उससे जो क्रीम केक में बराबर सी लगती है, और फिर ऐसे स्क्रैपर से जो स्टील वाली स्क्रैपर घुमा के उसको मैं केक की वॉल को साफ की, फिर जो पैलेट नाइफ से केक के सरफेस को साफ की, और
फिर ऐसे सिलिकॉन ब्रश से ऐसे में जो केक की वॉल को ये मैं ऐसे राउंड राउंड पैटर्न दी हूँ फ्रेंड्स। ये है वैनिला कोल्ड ग्लेज। इसका रेसिपी मैं 2 दिन पहले चैनल पर शेयर की हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दी हूँ, आप लोग देख लीजिए। वही वैनिला कोल्ड ग्लेज में येलो कलर ऐड करके ऐसे मैं जो पाइपिंग बैग की हेल्प से ऐसे ड्रिपिंग दी हूँ और केक के जो सरफेस के ऊपर देकर अच्छे से स्प्रेड की हूँ। ये कोल्ड ग्लेज में अपने पसंद का जो भी कलर ऐड करके आप ऐसे ड्रिपिंग दे सकते हैं। ये केक बहुत जो जल्दी फिनिशिंग देती है, केक को बहुत जल्दी कवर कर देती है डिजाइन में, और इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं पैलेट नाइफ से ऐसे जो पैटर्न बनाई हूँ, फिर ये थोड़ी सी येलो कलर की क्रीम बना के ऐसे में केक की बेस की बॉर्डर को कवर की हूँ। जो पॉल डिजाइन है सिर्फ पाइपिंग बैग को छोटी कट लगा के ऐसे आगे पीछे करने से ऐसे खूबसूरत सी डिजाइन बनती है। और ये स्मॉल स्टार नोजल से 3 रोजेट्स बनाई हूँ और 3 रोजेट्स के ऊपर जो ये चेरीज और कुछ स्प्रिंकल्स देकर ये जो रोजेट्स को डेकोरेट की। फिर जो कुछ मेरे होममेड चॉकलेट गार्निशिंग में बनाई हूँ इसको मैं केक के ऊपर प्लेस करके कुछ स्प्रिंकल्स और कुछ चोको चिप्स देकर ये ब्यूटीफुल सा टेस्टी केक बनाई हूँ। ये येलो कलर कस्टमर को चाहिए था, तो आप भी ऐसे बनाइए फ्रेंड्स। और मेरे साथ आपके डाउट्स जो केक रिलेटेड है वो क्लियर कीजिए और देखिए मेरी ये केक की फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।